तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे कि अगर हम लोग सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे क्या हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की पैरेलली तैयारी करनी चाहिए और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कब स्टार्ट करना ज्यादा बेटर है। ऐसा ना हो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम लोग सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए अपीयर है तो सेमेस्टर एग्जाम में वो चीजें हमें तकलीफ दे दे, या ऐसा पता चला कि हमारा बैक लगते जा रहा है या बैक लग गया, तो ये सिनारियो रिपीट नहीं होना चाहिए इस चीज के लिए। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ भी रहे थे कि सेमेस्टर एग्जाम के साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कैसे करना है। पहला चीज, क्या सेमेस्टर के साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी की जा सकती है? डेफिनेटली 100% आप कर सकते हो। ठीक है, और इस चीज में आपको एफर्ट लगाना है, नो डाउट, लेकिन ये चीज आपका आखिर आप जो कॉम्पिटेटिव सेमेस्टर्स के बाद जो ड्रॉप आउट करके जो तैयारी करते हैं एटलीस्ट वहां का टाइम ड्यूरेशन आप कम कर सकोगे। एक बार समझिए इन चीजों को। क्या होता है कि देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी सेमेस्टर एग्जाम की या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहला चीज, या तो आपने डिग्री या डिप्लोमा जो भी कर रहे होंगे इंजीनियरिंग, तो या तो वो आपके 3 साल के कोर्सेज होंगे या 4 साल के कोर्सेज होंगे, यही कहानी होगी। तो अगर आपने जस्ट अभी एंट्री लिया हुआ है डिग्री और डिप्लोमा के लिए, मतलब अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर है, तो ये मैं आपको बिल्कुल पर्सनली सजेस्ट करूंगा क्या कि फर्स्ट ईयर में आपको कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कुछ हो, वहां की इधर उधर आपको बिल्कुल भी कहीं भी मुंह मारने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर में आपका प्राइमरी एम होता है क्या कि अपने जो भी आपने स्टडी और जो भी आपके सेमेस्टर से उन चीजों को क्लियर करिए, उसमें आपको बैक ओवरा की चांसेस बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मतलब अगर मैं फर्स्ट ईयर कंडीशंस को लेके बात करूं, तो फर्स्ट ईयर या तो डिप्लोमा हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल भी नहीं करनी है। और यहाँ पे भी अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँ इंजीनियरिंग में, तो आपको फाइनल जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी है आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको केवल जो फर्स्ट ईयर वाला जो सिनारियो है इसको आप केवल क्या है सेमेस्टर एग्जाम के साथ रन करिए। ठीक है, यहाँ पे आप सेमेस्टर एग्जाम को फोकस करेंगे और फर्स्ट ईयर में सेम कहानी यहाँ पर भी होने वाला है। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, सेमेस्टर एग्जाम्स को आप ओनली फोकस करेंगे, इस चीज को आप पक्का ध्यान रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में फ्रेंड्स आपको इधर उधर मुंह मारने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं, कहानी स्टार्ट होती है सेकेंड ईयर से, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किस तरीके से पढ़ा जाए कि हमारा सेमेस्टर भी कंप्लीट होता जाए और हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो भी तैयारी होती जाए। ठीक है, मैं अभी फिलहाल 3 से 4 साल का ड्यूरेशन लेके बात करने वाला हूँ, फर्स्ट ईयर की कहानी टोटली खत्म है। फर्स्ट ईयर में आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तरफ मूव नहीं करना है, सिर्फ आपने जो इंटर लिया है, कई सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम से इंटर करते हैं, कई इंग्लिश मीडियम से इंटर करते हैं, वहां पर आपको क्या है मना इसलिए किया जा रहा है, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में जब आप इंटर करते हो ना, उसमें आप सारे ब्रांच पढ़ते हो। ठीक है, आप चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे ETNT हो, लेकिन आपको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, अलग अलग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब पढ़ने, तो आपका क्या है ऑलरेडी माइंड का डाइवर्सिफिकेशन फ्रेंड्स बहुत ज्यादा रहता है। इसीलिए आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तरफ मूव नहीं करना है, आपको बस पहला मोटो ये रखना है क्या कि हमारा जो फर्स्ट ईयर वाला जो पोर्शन है वो हमारा अच्छे मार्क्स से निकल जाए। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम टॉप करेंगे तभी हम सांस लेंगे। ठीक है, तो अच्छे मार्क्स से आप क्वालिफाई हो जाइए, दैट इज द टू मच सफिशियंट फॉर द फर्स्ट ईयर कैंडिडेट्स। ओके, अब हम लोग आते हैं सेकेंड ईयर से। अब सेकेंड ईयर में क्या है, अब हमको चिंगारी देना स्टार्ट कर देना है सेकेंड ईयर से। मतलब जैसे ही अगर हम लोग देखेंगे सेकेंड ईयर की, अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड ईयर में अब हमारी कहानी स्टार्ट होगी तैयारी के लिए। अब बात है कि सेकेंड ईयर में किस तरीके से तैयारी करना है, क्या पूरे चीजों को हम लोग को पैरेलली पढ़ के पूरा खत्म कर देना है, इस चीज को समझिए। देखिए, जब भी हम लोग किसी चीज की तैयारी करते हैं, ये एकदम आपको प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूँ, जो भी आप चीजों को तैयारी करते हो या पढ़ते हो तो उसके लिए एक माइंड सेट डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, आप ऐसा नहीं होगा कि एक रात उठिए, उस सेमेस्टर एग्जाम्स की अलग बात है, आपने अपने सीनियर्स के मुंह से भी सुना होगा, ठीक है, वन नाइट फाइट रहता है, मतलब एक रात पढ़ो सेमेस्टर निकल गया, ठीक है। लेकिन सब सब्जेक्ट ऐसे नहीं होते हैं कि आप एक रात पढ़ोगे और एग्जाम जाके लिख के आ जाओगे और पास हो जाओगे। ठीक है, कई सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकल में आपने किया होगा, मानता हूं मैं इस चीज को, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी चीज में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के एरिया में अगर आप अपना फ्यूचर देख रहे हो, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स निकाल के मुझे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ जाना है, तो आप इस तरीके का सिनारियो नहीं अपना सकते, क्योंकि इसमें आपका कोई शॉर्टकट मेथड यूज नहीं होने वाला है। ये जो मैं आपसे सिनारियो के डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें कहीं भी आपको कोई शॉर्टकट मेथड यूज नहीं होगा, इसमें आपको अपना एफर्ट डालना पड़ेगा, और एफर्ट बिल्कुल ऐसा जो चीज आपको क्या हुआ अंदर से फील रहना चाहिए उस चीज का।
ठीक है, तो बिल्कुल आप यहां से क्या है सेकेंड ईयर से आपका माइंड सेट डेवलप होगा गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ। अब यहां पे आपको करना क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर आप सेकेंड ईयर में है तो दो चीजें होंगी, या तो आप टेक्निकल की तरफ मूव करेंगे या नॉन टेक्निकल की तरफ मूव करेंगे। मतलब आप अगर टेक्निकल में इंटर कर रहे हैं दैट इज गुड, लेकिन आपका एरिया हो सकता है आप नॉन टेक पोस्ट की तरफ आप मूव करना चाह रहे हो, बैंकिंग सेक्टर, SSC आपका जो CGL होता है या UPSC की तरफ। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सेकेंड ईयर में अगर आप देखेंगे तो इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं ठीक है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, फिर भी मैं यहां पर आप देखोगे तो 5 से 6 सब्जेक्ट टोटल होते हैं ठीक है। और 5 से 6 सब्जेक्ट्स में अगर आप देखोगे तो इसमें आपको समझ में आएगा क्या कि इसमें से 3 से 4 सब्जेक्ट्स हमारे काम के होते हैं। काम के होते हैं मतलब जो हमको आगे कंटिन्यू करना है, जहां से हमको सीखना है फॉर टेक्निकल सब्जेक्ट्स की। तो 3 से 4 सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे जिसपे हमको फोकस करना रहेगा। बाकी हमारे पास देखिए 1 से जो 2 सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये हमारे पास नॉन टेक होते हैं। नॉन टेक मतलब उसको जस्ट क्या पास करना रहता है, उसका अगर आप देखेंगे तो आगे कोई एग्जिस्टेंस नहीं दिखेगा। तो ये जो मैं 3 से 4 सब्जेक्ट्स बोल रहा हूँ ना, ये 3 से 4 सब्जेक्ट आपका प्योर टेक्निकल मिलेगा जो आपके एरिया में काम करने वाला है। और 1 से 2 सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली ये क्या है आउटर पोर्शन की तरफ होता है। अब ये जो 3 से 4 सब्जेक्ट्स है इसको हमको देखना है कि किस तरीके से पढ़ना है। तो अगर 5 सब्जेक्ट है तो उस कंडीशन में आपको 3 सब्जेक्ट इस तरीके की चीजें दिखेंगी। अब देखिए ये जो 3 सब्जेक्ट्स है इसको हम लोग किस तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर मेरे पास मान लीजिए कि मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स की कहानी है, ये मान लीजिए कि मेरे पास क्या है 3 सब्जेक्ट्स है, और इस 3 सब्जेक्ट्स के अंदर अगर मैं चीजों को एनालाइज करूं तो यहाँ पे आपको क्या है, देखो सेकेंड ईयर में है, अभी हमारे पास थर्ड ईयर भी टाइम है, फोर्थ ईयर भी टाइम है, जबरदस्ती दिमाग पे ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी सब्जेक्ट आप यहाँ से उठाओगे उस सब्जेक्ट को सबसे पहले किस तरीके से पढ़ना है ये समझिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए आपने इस सेमेस्टर में मॉस पढ़ना स्टार्ट किया, मॉस बोलो या सोम बोलो, आप मैं मैकेनिकल के एक सब्जेक्ट के लेके बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मॉस या आपने सोम पढ़ा। अब ये आप जब मॉस या सोम पढ़ोगे तो दो चीजें, अगर आप आगे टेक्निकल बैकग्राउंड की तरफ मूव कर रहे हो, टेक्निकल जॉब की तरफ मूव करोगे तो डेफिनेटली ये चीज को आपको सेमेस्टर में भी पढ़ना और कॉम्पिटिटिव में भी पढ़ना है। तो क्यों ना एक काम किया जाए, इस सब्जेक्ट को यहीं पर ऐसा प्रिपेरेशन किया जाए कि ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी पैरेलली कवर हो जाए ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 12 सब्जेक्ट्स आते हैं, तो 12 सब्जेक्ट थोड़ी आप एक ही सेमेस्टर में खत्म कर दोगे। आपको करना क्या है, जिस सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो वो चीज के लिए पहले आप ये डिसाइड रखो कि आपको फ्यूचर में करना क्या है, किस सब्जेक्ट्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो। या तो गेट हो सकता है, गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, SSC JEE के लिए तैयारी कर रहे हैं, डिपेंड करता है आपके क्वालिफिकेशंस के ऊपर, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर आप कौन सी जॉब की तरफ मूव करना जा रहे हो। आप जिस जॉब की तरफ मूव करना चाह रहे हो आपको करना क्या है, आप जो सब्जेक्ट्स जो भी आप पढ़ रहे हो यहाँ पे आपको सीधा सीधा क्या है, जो आपका सेमेस्टर्स वाले एग्जाम चल रहे हैं इस सेमेस्टर्स एग्जाम को सीधा रिलेट करिए किसे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से, और इस सब्जेक्ट को ऐसा प्रिपरेशन करिए कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन भी पैरेलली लगाइए। अब आपको करना क्या है, मान लीजिए कि आपका कोई भी सेमेस्टर्स होता है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 3 से 4 महीने का टाइम तो मिलता ही है ठीक है, जिसमें से अगर आप इस सब्जेक्ट को कॉम्पिटिटिव लेवल पे अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके पास सपोज मान लो 4 महीने का टाइम है, चलो 3 महीने का टाइम ही ले लेते हैं, तो 3 महीने में आपको क्या करना है, यहाँ पर टोटल आपके पास जो 3 मंथ का टाइम है तो 2 मंथ का टाइम आप दोगे कि इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जब आप जाओगे तो डेफिनेटली आपको बेसिक्स पूरे क्लियर होने चाहिए, मतलब ये है कि आपका सॉम को लेके कहीं भी कंसेप्ट आपका कहीं भी हिलेगा नहीं, जो सॉम है उसका कंसेप्ट आपको कहीं भी नहीं हिलेगा। आपको सिर्फ ध्यान रखना है 1 मंथ की कहानी, और इस 1 मंथ को आप किसके लिए दोगे, सेमेस्टर्स एग्जाम्स के लिए दोगे ठीक है, कॉम्पिटिटिव और ये आपका सेमेस्टर्स एग्जाम के लिए। तो इस चीज को ध्यान रखना कि अगर मैं कोई भी चीज का कोई भी सेमेस्टर्स में अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो उस चीज को आप पैरेलली किस में कवर करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ। ये आपको कहानी पूरे के पूरे सेकंड ईयर में करना है। अब सुनिए, सेकंड ईयर अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो आप इस फंडे को सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर दोनों में अप्लाई करोगे ठीक है। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर इस फंडे को आप दोनों में अप्लाई करोगे, मतलब सेकेंड और थर्ड ईयर तक आपके जो भी एग्जाम्स चल रहे हैं सेमेस्टर्स एग्जाम में जो जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं और वो सब्जेक्ट्स अगर आपके टेक्निकल बैकग्राउंड से मैच करते हैं तो डेफिनेटली उस पर पढ़ना है। और यदि आपका आगे का सब्जेक्ट टेक्निकल बैकग्राउंड का नहीं है तो डेफिनेटली आपको पैरेलली यहाँ पर 2 से 3 घंटे का समय अलग से निकालना है उस पर्टिकुलर टॉपिक्स या उस पर्टिकुलर एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे बैकग्राउंड अलग ही है। और जब आपने अलग बैकग्राउंड चूज कर लिया है तो नो डाउट आपको प्रेजेंट सिनेरियो का जो बैकग्राउंड है, मतलब जो आप टेक्निकल से अगर कर रहे हैं तो उतना ज्यादा आपको फोकस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली हमारा एम है कि जब हम बाहर निकले कॉलेज से तो वहां पर हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हो।
तो इस चीज को आप समझिएगा। तो सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका डिप्लोमा है, जहां पर मैं कोर्सेज को मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर जो मैं प्लान कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं टोटल 3 ईयर्स को लेके बात कर रहा हूँ। और इंजीनियरिंग और डिग्री के लिए बात करूंगा तो यहाँ पर मैं टोटल 4 साल के लिए प्लान कर रहा हूँ, 4 ईयर का प्लान है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेकेंड ईयर के साथ दोनों के साथ वही कहानी करनी है। यहाँ पे जब आप थर्ड ईयर में इंटर करेंगे तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास थर्ड ईयर है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल अपना जी जान झोंक देना है। क्यों? क्योंकि जब थर्ड ईयर में आओगे तो आपको क्या क्या चीजें रहेंगी, मैं आपको ये भी चीज बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा सेकेंड ईयर में कि बिल्कुल आपको वर्कलोड नहीं रहता है, तो यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। थर्ड ईयर में आओगे तो सबसे पहला चीज क्या होगा, आपके जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, अगेन आप नए सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, नए सब्जेक्ट से करस्पॉन्डिंग आपको क्या करना है, वहां पर जो भी आप नए सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके साथ साथ आपको क्या है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ भी मूव करना है। तो यहाँ पर जो भी आप सेमेस्टर्स पढ़ोगे, ठीक है, सेमेस्टर के साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी पढ़ने हैं। दूसरा चीज, आप अगर फाइनल ईयर में आ चुके हो डिप्लोमा में, तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का भी लोड थोड़ा सा आ सकता है। वैसे भी जानते हो प्रोजेक्ट की कहानी क्या है, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग सिनेरियो रहता है। तो प्रोजेक्ट तो ठीक है, आप जो भी कर रहे हो जैसा भी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आपको क्या है, यहाँ से आपको ज्यादा टाइम निकालना है सेकेंड ईयर से। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो सबसे बड़ी चीज इसमें होती है ना, माइंड को सेट करना उस एग्जाम्स के लिए जिसके हम प्रिपेयर हो रहे हैं। और ये माइंड सेट ऐसा नहीं होता है कि आज हमने कोई देखा, मोबाइल देखा, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा और हमारा माइंड सेट हो गया, या एक रात हम लोग सोए और सवेरे उठे तो अचानक से हमारी आत्मा बोली कि चलो अब हम एग्जाम तैयारी करना चाहिए। ठीक है, जब आप किसी चीज के लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो ना, उस चीज पे कंटिन्यूअसली जब फोकस करते हो, तो वो चीजें जब दिमाग में घूमती है ना, तब वो चीज आपका एक माइंड सेट डेवलप होता है वहां पर। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, या अगर आप एग्जाम्स के बाद एग्जाम्स के लिए कुछ करना चाह रहे हो, मतलब सेमेस्टर्स के बाद अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, तो वहां पे आपको एक माइंड सेट डेवलप करना पड़ेगा कि हाँ मुझे इस चीज को करना है। तो वो चीजें प्रॉपरली आपके माइंड में स्ट्राइक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने ये देखा तो हमारा मन ये करने का है, कल हम किसी और पर्सन से मिले तो फलाना कोई वो कर रहा है तो हमको वो करना है, थर्ड डे किसी और से मिले, एक हफ्ते बाद किसी और से मिले तो पता चला वो कुछ और कर रहा है तो हमारा माइंड वो घूम रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसको ये चीज को डिसाइड करना है कि आपको जाना किस फील्ड में। और ये चीज अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से अभी तक आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको किस फील्ड के अंदर इंटर करना है, आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है। और अगर अभी तक आपने इस तरीके का डिसाइड नहीं किया है तो अभी भी टाइम है, कोई बहुत ज्यादा लेट नहीं हो, डिसाइड कर लो। क्योंकि जब तक आप ये चीज को डिसाइड नहीं करोगे, आप आगे अंधेरे में चलते रहोगे, आपका कोई सामने का और छोट नहीं दिखाई देगा। तो यहां पर जैसा मैं बात कर रहा था थर्ड ईयर को लेकर, थर्ड ईयर में अब आप क्या करोगे, जो भी आपके सब्जेक्ट चल रहे हैं उस सब्जेक्ट के साथ आपको क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पैरेलली तैयारी करना है। ठीक है, और कई सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो थर्ड ईयर के साथ ही एलिजिबल होते हैं। कई ऐसे एग्जाम्स हैं जो आपको थर्ड ईयर में, इससे आपको 2-3 फायदे और मिलने वाले हैं। अगर आपका मान लीजिए कैंपस प्लेसमेंट, जॉब प्लेसमेंट होता है, वहां पे भी फायदा मिलेगा। कई ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो फाइनल ईयर के लिए मांगता है, तो फाइनल ईयर में भी एलिजिबल होते हैं। कई सारे एग्जाम्स इवन ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं क्या कि भैया जब हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे या फाइनल जब कॉल करेंगे उस टाइम हमको फाइनल मार्कशीट चाहिए। अब देखिए, जैसे कई स्टूडेंट ये डाउट रहते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा पैरेलली अगर एग्जाम चल रहा है किसी चीज में, अगर हमारा पैरेलली एग्जाम चल रहा है तो उस केस में क्या कहानी होगा, क्या हमको फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि अगर फाइनली चल रहा है और तो उस केस में आप क्या है एग्जाम को भरिए, क्योंकि उसका एग्जाम कब होगा, फिर उसका क्या है रिजल्ट कब आएगा, फिर ज्वाइनिंग कब आएगा। और पता चला इस साल इस प्रोसेस में डेफिनेटली गिरे से गिरे हाल में अगर गवर्नमेंट जॉब है तो 5 से 6 महीना मिनिमम लगना ही है। और जब आप फाइनल ईयर में तो 5 से 6 महीने के बाद तो आपका एग्जाम होकर फाइनल मार्कशीट भी हाथ में आ जाती है। अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री भी है तो भी आपका क्या कहानी चल सकता है। कई जगह हालांकि प्रोविजनल डिग्री को मना करता है, लेकिन मैक्सिमम जगह आपका प्रोविजनल डिग्री अलाउ होती है। तो ये डिप्लोमा की मैं बात कर रहा हूँ। और जैसा कि मैं इंजीनियरिंग को लेकर बात करूँ तो सेकेंड और थर्ड ईयर में आपको टोटली फोकस रहना है। और मैं अगर इंजीनियरिंग में भी बात करूँ तो थर्ड ईयर में भी आपके जो भी सब्जेक्ट से जितना भी चीजें आप पढ़ रहे हो आप उस चीज को पूरा कंप्लीटली आप रेडी कर सकते हो। क्योंकि फाइनल ईयर में आने के बाद अगर आप देखोगे फोर्थ ईयर में, तो फोर्थ ईयर के साथ जब आप जाओगे तो अगेन यहाँ पर भी आप देखोगे तो सेमेस्टर के साथ प्रोजेक्ट रहता है। और प्रोजेक्ट डेफिनेटली यार देखो करना तो बहुत कुछ ऐसा रहता है कि नहीं, वो तो कॉलेज टू कॉलेज और पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन डिस्टर्बिंग ज्यादा करता है। और इसके साथ भी आपको क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो ये जो भी आप पैरेलली को सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो ना, उस सब्जेक्ट को ऐसा पढ़ो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हो जाए। अब बात है कि उसको हम कैसे पढ़ा जाए, क्या हमको कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत है, नहीं है। तो देखिए इस चीज के लिए मैं आपको एक सीधा सीधा ये फंडा बताता हूँ। कोई भी आप एक स्टैंडर्ड बुक उठाइए,
उस स्टैंडर्ड बुक से कंटेंट को पढ़िए, ठीक है। बाकी आपके पास नंबर्स ऑफ चैनल है, इस चैनल में भी आपको पूरा एसएससी जेई के जैसा भी मैं पैरेलली कंटेंट डाल रहा हूँ, ठीक है, वहां पे आप स्टैंडर्ड्स बुक उठा के वहां पर फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि आप कॉलेज टाइम में जितना स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर ले उतना बेस्ट है, क्योंकि जब आप इसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जब आप इंटर करेंगे तो वहां पर जो आप बुक उठाओगे, तो अगर आप आईएएस या सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नो डाउट वहां के लिए तो ठीक है, लेकिन एसएससी जेईई वगैरह एग्जाम्स के लिए अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हो तो उतना ज्यादा आपको बुक को एफर्ट पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बुक होती है वो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होती है, आउटपुट कम आता है। ठीक है, आप बहुत ज्ञान लेते हो, अच्छी बात है बुक पढ़ के, तो ऐसा भी ज्ञान लेके क्या मतलब कि जिस चीज का आप यूटिलाइज ही ना कर पाओ। जो चीज आपको 2 घंटे में क्लियर हो जा रही है उस चीज को 5-6 घंटे 10 घंटे देने से क्या फायदा, ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि आपके पास क्या है, और भी कुछ काम से, ठीक है, और काम के अलावा आपके पास क्या है, टेक्निकल के साथ आपको नॉन टेक भी पोर्शन कवर करना है, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है ये चीजें आपकी मैटर करती है। ठीक है, तो अगर आप क्या है कभी भी सेमेस्टर है, कई स्टूडेंट अगर 5th सेम में 6th सेम में है, आपको करना है क्या है, अभी आपके पास भरपूर टाइम है, कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, प्रॉब्लम आप देख ही रहे हो क्या चलने वाला है, तो आपको अभी क्या करना है कि आप जो भी अभी तक सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हो, नए सब्जेक्ट मत उठाना, मैं नए सब्जेक्ट उठाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर आप मान लीजिए आप सपोज 5th सेम में है, तो 5th सेम तक आपने 5th सेम में अभी कुछ नए सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, और उसके पहले के भी सब्जेक्ट्स आपने कुछ पढ़ रखे हैं, तो जितना भी आपने सब्जेक्ट्स ऐसे कुछ पढ़ रखे हैं जिसका आपको आगे यूज होने वाला है, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स में आने वाले हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड पे आने वाले हैं, उस सब्जेक्ट्स को आप बिल्कुल क्या करोगे, स्टैंडर्ड बुक उठाइए वहां से पढ़िए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस लगाइए। और सबसे बड़ी खास बात, अगर आप एसएससी जेईई के प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एसएससी जेईई का बुक उठा के रखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर, अगर आप गेट का, यूपीएससी का जो भी एग्जाम्स आप तैयारी करना चाह रहे हो उसका आप सामने पेपर उठा के रखो प्रीवियस ईयर का, उस पेपर को देखिए, एनालाइज करिए, और जब आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो वहां से आप क्या करिए, सीधे क्वेश्चन को लगाइए। आजकल मार्केट में इतने सारे पेपर है, सबको आपको टॉपिक वाइज बना के दे दिया, ये तो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि अगर मैं किसी टॉपिक्स को पढ़ रहा हूं तो उस टॉपिक को मैं कितना देर उस पर कवर कर सकता हूं, और जितना मैं टॉपिक को पढ़ा हूं उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस को लगा सकता हूं। तो ये जो चीज आपको मैं बता रहा हूं, ये चीज कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी सेमेस्टर एग्जाम के साथ जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन चल रहा है। बट बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 100% तैयारी की जा सकती है अगर आप इस सोच में बैठे हैं कि पहले मैं सेमेस्टर पढ़ लेता हूं उसके बाद मैं कॉम्पिटिटिव की तरफ मूव करूंगा, तो आप ये बोल सकते हो कि सेमेस्टर में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जब आप ये टेंडेंसी बना चुके हो कि मुझे गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो डेफिनेटली सेमेस्टर से भिड़िए उस चीज को। सेमेस्टर में हमारे पास सफिशियंट टाइम होता है, काफी टाइम होता है। आखिर आप क्या करेंगे, जो आपका डिग्री या डिप्लोमा होगा उसके बाद ड्रॉप लेंगे, ठीक है, ड्रॉप लेने के बाद थोड़ा सा सिनारियो कुछ और हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप क्या है फाइनल ईयर एस्पिरेंट्स है और प्री फाइनल ईयर भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्री फाइनल ईयर में भी आप बेसिकली तैयारी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, कुल मिला के मैं इस वीडियो का आपको कंक्लूजन दूं, पहला चीज, फर्स्ट ईयर में आपको इधर उधर मुंह नहीं मारना है, जितना आपको पढ़ने के लिए बोला जा रहा है कॉलेज से उतना पढ़िए और एग्जाम को अच्छे मार्क्स से निकालिए। सेकेंड ईयर से आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, कैसे, जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ते चले जा रहे हो उसी सब्जेक्ट्स को आप कवर करते जाइए, किसमें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तरफ, ताकि वो सब्जेक्ट से आप खुद ब खुद आपके सेमेस्टर्स भी क्लियर हो जाएंगे और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये वीडियो का मेन कंक्लूजन था, बाकी ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके के अगर आपको कुछ लगते हैं कि और भी वीडियोज चाहिए या इस तरीके से आपको कुछ कंफ्यूजन होता है, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए, उस टॉपिक के ऊपर डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा। बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।